जन्नत की ख्वाहिश ही पूरी नहीं हो रही है, खुशी नहीं होके दे रही है। तौबा, भाई महारानी है जो कश्मीर जाएगी, यहीं पे खुश हो जाओ, लेकिन नहीं, ख्वाहिशात ही इतनी है। वैसे जन्नत, मरी तो बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें कश्मीर लेके जाऊंगा। एक मिनट, हम कश्मीर जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? हम बस अभी सीधा होटल जाएंगे, सामान पकड़ेंगे, वहां से निकल जाएंगे। नहीं यार, यू सीरियस? आज जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। यार आपको पता नहीं है मेरी कितनी बड़ी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। मैं बचपन से ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ टीवी में और वीडियोस में कश्मीर देखा। और हाँ, दादी मुझे बहुत बताती थी कश्मीर के बारे में, इतना बताती थी ना कि मुझे जलन होने लगती थी कि मुझे भी जाना है। आई एम सो सो ग्लैड, थैंक यू फॉर टेकिंग मी देयर। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम फूफी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम उमर। बेटा मैं इस्लामाबाद आई हुई हूँ। आप इस्लामाबाद में? सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है। दरअसल वो फरा के ससुर की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत बीमार हैं, उन्हीं को देखने के लिए आई हूँ। लेकिन बेटा मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, वहाँ तो कोई उठा ही नहीं रहा है, और मुझे तो उनका घर भी नहीं मालूम है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं तो बस एयरपोर्ट से निकल कर सड़क पर खड़ी हुई हूँ। फूफी अम्मी ये क्या बात हुई? तुम आते हो तो ठीक है, वरना फिर मैं यहीं से एयरपोर्ट चली जाती हूँ और वापसी की टिकट ले लेती हूँ। अब देखो वापसी की टिकट कब की मिलती है, फिर मुझे एयरपोर्ट पे ही बैठना पड़ेगा। अरे नहीं फूफी अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। अब उमर मैं सामान पैक कर लूँ? पैकिंग क्यों भाई? हमने कश्मीर जाना ना आज। कश्मीर? जी हम कश्मीर जा रहे हैं, मैं और जन्नत। आप भी हमारे साथ चलें, बहुत मजा आएगा, मौसम भी बहुत अच्छा होगा। अरे कश्मीर क्यों जा रहे हो भाई? वहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? वही पहाड़ हैं, वही दरख्त हैं, वही मौसम है। अरे मुझे तो यहाँ आते आते चक्कर आ गया। ये पहाड़ी रास्ते मुझे रास नहीं आते, मैं तो वैसे ही थक गई हूँ। मुझे तो लग रहा है मुझे बुखार हो रहा है। हाय उमर देख, 4 दिन रुकने यहाँ पे, ज़रा सुकून से रुकने दे मुझे। मैं कहीं नहीं जा रही भाई। मम्मी वो जन्नत का बहुत दिल चाह रहा था कश्मीर जाने को, तो मैंने सोचा कि हाँ तो माशाल्लाह अब सारी जिंदगी जन्नत तुम्हारे साथ है, करते रहना इसकी ख्वाहिशात को पूरा। अगले साल आ जाना, कुछ अरसा यहाँ रह लेना, कुछ कश्मीर। लेकिन नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगी, मुझे सुकून लेने दे। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। हाय उमर ज़रा चेक कर, मुझे बुखार सा लग रहा है, जिसमें में बड़ा दर्द हो रहा है। कोई सूप यखनी का तो बंदोबस्त कर मेरे लिए। बिल्कुल, मैं यखनी का बंदोबस्त करना, तुम जरा ख्याल। जन्नत की ख्वाहिश ही पूरी नहीं हो रही है, खुशी नहीं होके दे रही है। तौबा, भाई महारानी है जो कश्मीर जाएगी, यहीं पे खुश हो जाओ, लेकिन नहीं, ख्वाहिशात ही इतनी है। आप उमर, हम कश्मीर नहीं जाएंगे क्या? नहीं वाह जन्नत, बिलाल तो नहीं जा सकते। देखो जन्नत, तुमने फूफी अम्मी की तबीयत देखी है ना, वो ठीक नहीं है। इस हाल में मैं अकेला छोड़ के हम नहीं जा सकते, फिर किसी और वक्त चले जाएंगे। ठीक है, मैं जाके दूसरे कमरे का बंदोबस्त करता हूँ, तो जाके फूफी अम्मी को देखो प्लीज। ठीक है चलो। इश्क बेपरवाह, पीर और मंगल, रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।